यही सर जी, बात करें अगर तेल तिलनों की, तो हमने देखा है कि बीते कारोबारी सप्ताह बाजार बंद होते होते तेल तिलनों की कीमतों में हल्की सी नरमी आई थी, चाहे सरसों हो, सोयाबीन हो या बिनौला तेल हो, सीपीओ हो, सभी खाद्य तेलों में हमने यहाँ पर हल्की सी नरमी आते हुए देखी थी। मंडियों में कारण बताया जा रहा है कि जो विदेशों में तेल तिलनों के भाव बढ़े हैं और उसका असर जो घरेलू बाजार पर पड़ा है तेजी वाला, तो ऊपरी स्तर पर थोड़ा लिवाल कम हुआ है, जिसकी वजह से तेल तिलनों की कीमतों में यहाँ पर हल्की सी गिरावट आई है। इसी बीच आपको क्या लगता है कि अगर तेल तिलनों की कीमतें आगे ऐसी ही बढ़ती रहती हैं, तो क्या जो कंजप्शन है खाद्य तेलों की वो कम हो जाएगी? देखिए, अभी कीमतों को सपोर्ट है और लगातार प्राइजेस जो है वो बूस्ट अप करते दिखाई दे रहे हैं। हल्की करेक्शन जरूर हमने थोड़ी सी आती हुई देखी है, लेकिन ये बहुत कोई गिरावट वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरीके से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है, उससे खाद्य तेल और ज्यादा महंगा होने की एक उम्मीद है। और अभी भी आप देखिए, जो प्राइजेस जो है वो गिरे नहीं है, वहीं पर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे भी देखा जाए तो एक्सपेक्ट ऐसा किया जा रहा है कि महंगा हो सकते हैं खाद्य तेल, क्योंकि आगे चलकर सरसों के दाम में भी उछाल देखने को मिल सकता है और सोयाबीन के भी कीमतों में तेजी बन सकती है। लेकिन अभी देखना होगा कि हमारे यहाँ पर कितना डिमांड पिकअप होता है इन लेवल्स के ऊपर, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल सप्लाई टाइट बनी हुई है, जिसकी वजह से मांग और सप्लाई में भारी अंतर देखने को मिल रहा है, और ऐसी दिशा में लगता है कि इसके चलते अभी कीमतें जो है वो सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे सकती हैं। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके और जो है अपने यहाँ पर भी एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति के चलते तेजी बनी हुई है, और जब अगर एक्सपोर्ट खुल जाता है तो फिर वापसी से कीमतें जो है वो नरमी में आती हुई दिखाई दे सकती है। जी।